हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनसाइड अकैडमी। जिवें कि तुसीं जानदे हो कि आपां ईटीटी कैडर पंजाबी एमसीक्यू दे लैक्चर लगा रहे हां। अज आपां 13वां लैक्चर लगाउण जा रहे हां। लैक्चर लगाउण तों पहलां एक छोटी जी इनफॉर्मेशन, साडा फ्री वट्सएप ग्रुप ज्वाइन करन लई तुसीं अपना नेम, कोर्स नेम, मेल और फीमेल लिख के सानूं वट्सएप मैसेज करो ते तुहानूं साडे फ्री वट्सएप ग्रुप विच ऐड कर लिया जाएगा। इसे फ्री वट्सएप ग्रुप में ही तुहानू सारिया वीडियोज़ के लिंक और फ्री PDF शेयर कीतिया जाएगी। हाँ जी, एक छोटी जी इनफॉर्मेशन होर, साडे ईटीटी कैडर के ऑनलाइन बैच जो कि 30 मई तो शुरू हो जा रहे हैं, जिन्हां विच तुहानू सारिया नू लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, लैक्चर्स, सेव्ड टील एग्जामीनेशन, PDF स्टडी मटीरियल, वीकली टैसट सीरीज से 5 मोक टैसट दिते जाएंगे। तो मंडे तो 3 डेमो पहला तुहानू सबनों फ्री दिते जाएंगे। होर जानकारी प्राप्त करने लई तुसी सानू इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हाँ जी, शुरू करते हैं जी अज का लैक्चर। हाँ जी नीलम, सत श्री अकाल जी। हाँ जी रवनूर, गुड ईवनिंग। हाँ जी अमन। हाँ जी प्रश्न नंबर 1। हाँ जी, जे किसी बच्चे ने साडे ऑनलाइन पेड ग्रुप बारे कोई भी जानकारी लेनी है तो तुसीं इस नंबर ते सानू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, फीस वगैरह बारे जो कुछ भी पूछना चाहते हो तो तुसीं इस नंबर ते पूछ सकते हो। हाँ जी प्रश्न नंबर 1, किस गुरु जी ने केवल श्लोकों में ही रचना की है? हाँ जी ऑप्शन ए गुरु तेग बहादुर जी, ऑप्शन बी गुरु रामदास जी, ऑप्शन सी गुरु अंगद देव जी, ऑप्शन डी गुरु अमरदास जी। हाँ जी बिल्कुल राइट आंसर है जी मनीष। हाँ जी किरण, सरबजीत, अमन। हाँ जी बिल्कुल राइट है जी नीलम। हाँ जी ऑप्शन सी गुरु अंगद देव जी ने सिर्फ श्लोकों विच रचना की है, तो इन्हां दे पाठ श्लोक या 63 दोनों ऑप्शन मिलदी हैं जी। 62 या 63 श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज हैं। हाँ जी प्रश्न नंबर 2, गुरु ग्रंथ साहिब विच सब तो वध वारां हैं? ऑप्शन ए गुरु अर्जन देव जी दियां, ऑप्शन बी गुरु रामदास जी दियां, ऑप्शन सी गुरु नानक देव जी, ऑप्शन डी गुरु अमरदास जी। हाँ जी बिल्कुल राइट है जी किरण। हाँ जी, हाँ जी सरबजीत। हाँ जी सब तो वारा जिहड़ियां वध ने वो गुरु रामदास जी दियां वारा ने जी। इन्हां दियां 8 वारां गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज हैं जी। गुरु अर्जन देव जी दियां 6 वारां, गुरु नानक देव जी दियां 3 वारां ने जी, ते गुरु अमरदास जी दियां 4 वारां ने। ते गुरु ग्रंथ साहिब विच जिहड़ियां कुल वारां ने वह 22 ने। किन्नियां ने? 22, जिहदे विचों 21 वारां गुरुआं दियां ने, 1 वार है जी वह सत्ते बलवंड दी है, रामकली राग विच, रामकली राग विच। ठीक है जी। प्रश्न नंबर 3, आदि ग्रंथ का संपादक है? ऑप्शन ए बाबा मोहन, ऑप्शन बी भाई गुरदास, ऑप्शन सी गुरु अर्जन देव जी, ऑप्शन डी गुरु गोबिंद सिंह जी। हाँ जी अमन। हाँ जी बिल्कुल राइट है जी। हाँ जी ममता बिल्कुल राइट है जी। हाँ जी ऑप्शन सी। हाँ जी सरबजीत। हाँ जी नीलम बिल्कुल राइट आंसर है जी।
ऑप्शन सी गुरु अर्जन देव जी संपादक हैं जी आदि ग्रंथ दे, आदि ग्रंथ का जिहड़ा शुरुआत 1601 विच कीती गई ते संपूर्ण 1604 ईस्वी विच होया जी। ते इन्हां दे पहला ग्रंथी सी जी बाबा बुढ़ा जी, ते संपादन का काम किया जी गुरु अर्जन देव जी ने, ते लिखत का काम किया जी भाई गुरदास जी ने, भाई गुरदास जी ने। प्रश्न नंबर 4, टॉप फुल, ऑप्शन ए एक फुल है, ऑप्शन बी एक कंध चित्र है, ऑप्शन सी एक लोक गहना है, ऑप्शन डी फुलकारी दा अंग है। हाँ जी बिल्कुल राइट है जी, हाँ जी ममता किरण, हाँ जी ऑप्शन सी एक लोक गहना है। प्रश्न नंबर 5, सभ्याचार विच ऑप्शन ए कठोरता हुंदी है, ऑप्शन बी परिवर्तनशीलता हुंदी है, ऑप्शन सी खड़ोत हुंदी है, ऑप्शन डी गतिहीनता हुंदी है। हाँ जी जसविंदर बिल्कुल राइट है जी, सरबजीत किरण, हाँ जी महेश नीलम बिल्कुल राइट आंसर है जी, ऑप्शन बी परिवर्तनशीलता हुंदी है। प्रश्न नंबर 6, गुरु ग्रंथ साहिब विच वारां दी गिनती है, ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 51। हाँ जी अमन ममता रीना नीलम जसविंदर, हाँ जी किरण बिल्कुल राइट आंसर है जी, ऑप्शन बी 22 वारां ने जी गुरु ग्रंथ साहिब विच। प्रश्न नंबर 7, छंद किस नूं सुनाए जाते हैं, ऑप्शन ए भाबियां नूं, ऑप्शन बी सालियां नूं, ऑप्शन सी मामियां नूं, ऑप्शन डी चाचियां नूं। हाँ जी अमन, हाँ जी ममता, महेश नीलम जसविंदर रीना बिल्कुल राइट आंसर है जी, सरबजीत ऑप्शन बी सालियां नूं। हाँ जी प्रश्न नंबर 8, गुरु अर्जन देव जी ने 12 माह की रचना किस राग विच कीती, ऑप्शन ए मारू, ऑप्शन बी सिरी, ऑप्शन सी माज, ऑप्शन डी तुखारी। हाँ जी बिल्कुल राइट आंसर है जी, ऑप्शन सी माज राग विच जी। हाँ जी गुरु ग्रंथ साहिब विच 2 12 माह ने जी। एक गुरु अर्जन देव जी, गुरु नानक देव जी। गुरु अर्जन देव जी ने माझ राग विच लिखिया जी 12 माह, ते गुरु नानक देव जी ने तुखारी राग विच। ए अध्यात्मिक है, ए प्रकृति चित्रण वाला है। प्रश्न नंबर 9, ब्याह नाल संबंधित गीत है, ऑप्शन ए लोरी, ऑप्शन बी सिठनी, ऑप्शन सी अलोनी, ऑप्शन डी कोई नहीं। हाँ जी जसविंदर बिल्कुल राइट है जी, हाँ जी महेश नीलम अमन, ऑप्शन बी सिठनी ब्याह नाल संबंधित गीत है जी। प्रश्न नंबर 10, गुरु अर्जन देव जी का जीवन काल दसो, ऑप्शन ए 1552 तो 1606, ऑप्शन बी 1556 तो 1607, ऑप्शन सी 1563 तो 1606, ऑप्शन डी 1595 तो 1606।
हाँ जी बिल्कुल राइट आंसर है जी ऑप्शन सी 1563 तो 1606। हाँ जी प्रश्न नंबर 11 गुरु रामदास जी के पुत्रां दे नाम दसो। ऑप्शन ए पृथ्वीचंद, ऑप्शन बी महादेव, ऑप्शन सी गुरु अर्जन देव जी, ऑप्शन डी सारे। हाँ जी सरबजीत बिल्कुल राइट है जी ममता रीना हाँ जी नीलम ऑप्शन डी सारे। प्रश्न नंबर 12 खडूर साहिब नगर किसने वसाया। ऑप्शन ए गुरु अंगद देव जी, ऑप्शन बी गुरु अमरदास जी, ऑप्शन सी गुरु रामदास जी, ऑप्शन डी गुरु अर्जन देव जी। हाँ जी नीलम अमन ममता हाँ जी रीना हाँ जी सरबजीत बिल्कुल राइट आंसर है जी ऑप्शन ए गुरु अंगद देव जी ने। हाँ जी प्रश्न नंबर 13 रसीदी टिकट स्वै जीवनी है। ऑप्शन ए अमृता प्रीतम अजीत कौर, ऑप्शन बी अमृता प्रीतम, ऑप्शन सी प्रभजोत कौर, ऑप्शन डी तेजा सिंह। हाँ जी बिल्कुल राइट आंसर है जी हाँ जी ऑप्शन बी अमृता प्रीतम। हाँ जी प्रश्न नंबर 14 गुरु ग्रंथ साहिब का आरंभिक राग केड़ा है। ऑप्शन ए श्री राग, ऑप्शन बी प्रभाती राग, ऑप्शन सी जैजावंती राग, ऑप्शन डी रामकली राग। हाँ जी बिल्कुल राइट आंसर है जी ऑप्शन ए श्री राग। हाँ जी ते जेड़ा जैजावंती राग है जी वो अंतिम राग है। कुल 31 राग ने जी गुरु ग्रंथ साहिब विच। प्रश्न नंबर 15 लुड्डी नाच है। ऑप्शन ए मालवे दा, ऑप्शन बी दुआबे दा, ऑप्शन सी पुआध दा, ऑप्शन डी सांदलवार दा। हाँ जी बिल्कुल राइट है जी ऑप्शन डी सांदलवार दा नाच है जी लुड्डी। हाँ जी प्रश्न नंबर 16 से जान तो पहला एक छोटी जी इनफॉरमेशन। साढ़े ईटीटी दे ऑनलाइन बैच जो कि 30 मई तो मंडे तो स्टार्ट हो जा रहे हैं जिन्हां विच बच्चों लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस लैक्चर सेव डिटेल एग्जामीनेशन पीडीएफ स्टडी मटीरियल वीकली टैसट सीरीज से 5 मोक टैसट दिते जाएंगे। इन्हों बारे जे तुहानूं होर कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो तुसीं सानूं इस नंबर ते कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मंडे नूं इहदे रिगार्डिंग 3 डेमो दिते जाएंगे ठीक है जी। प्रश्न नंबर 16 गुरु ग्रंथ साहिब विच कुल बाणीकार हन। ऑप्शन ए 39, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 38। हाँ जी बिल्कुल राइट है जी ऑप्शन बी 36। प्रश्न नंबर 17 आनंद साहिब किस दी रचना है। ऑप्शन ए गुरु नानक देव जी, ऑप्शन बी गुरु अंगद देव जी, ऑप्शन सी गुरु रामदास जी, ऑप्शन डी गुरु अमरदास जी। हाँ जी बिल्कुल राइट आंसर है जी ऑप्शन डी गुरु अमरदास जी की रचना है जी ते रामकली राग विच है जी ये रामकली राग विच। 40 पौड़ियां ने जी इहदियां। प्रश्न नंबर 18 दोहिता बाणी का बोहिथा। केड़े गुरु साहिब बारे आख्या गया है। ऑप्शन ए गुरु नानक देव जी, ऑप्शन बी गुरु रामदास जी, ऑप्शन सी गुरु अर्जन देव जी, ऑप्शन डी गुरु अंगद देव जी।
हाँ जी अमर, रीना, महेश। हाँ जी सरबजीत, बिल्कुल राइट आंसर है जी, ऑप्शन सी। हाँ जी नानक, ममता, नीलम। ऑप्शन सी, गुरु नानक देव जी नु कहा गया जी। प्रश्न नंबर 19, कुम्हार मिट्टी दे भांडे बनाउंदा है। ऑप्शन ए पटड़े उत्ते, ऑप्शन बी मेज उत्ते, ऑप्शन सी जमीन उत्ते, ऑप्शन डी चक उत्ते। हाँ जी जसविंदर, किरण, महेश, ममता, नानक, रीना। हाँ जी मिट्टी दे जेड़े भांडे है जी चक उत्ते बनाए जाते हैं जी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है जी। केड़े गुरु साहिब ने अलौनी लोक काव्य रूप नू अपनाया। ऑप्शन ए गुरु अर्जन देव जी, ऑप्शन बी गुरु नानक देव जी, ऑप्शन सी गुरु रामदास जी, ऑप्शन डी गुरु अंगद देव जी। हाँ जी बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी गुरु नानक देव जी, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 21, मलवई गिद्दा किस दा नाच है। ऑप्शन ए मर्दां दा, ऑप्शन बी कुड़ियां दा, ऑप्शन सी तीवियां दा, ऑप्शन डी कोई नहीं। हाँ जी बिल्कुल राइट है जी। हाँ जी ऑप्शन ए मर्दां दा लोक नाच है जी ये मलवई गिद्दा। प्रश्न नंबर 22, केड़ा मेला सिख इतिहास नाल संबंधित है। ऑप्शन ए जरग दा मेला, ऑप्शन बी जगरावां दा मेला, ऑप्शन सी पार दा मेला, ऑप्शन डी मुक्तसर दा मेला। हाँ जी बिल्कुल राइट है जी, ऑप्शन डी मुक्तसर दा मेला। प्रश्न नंबर 23, बसंत दा मेला केड़े महीने विच लगदा है। ऑप्शन ए माघ, ऑप्शन बी फग्गन, ऑप्शन सी भादों, ऑप्शन डी चेत। हाँ जी ऑप्शन बी फग्गन दे महीने। प्रश्न नंबर 24, पट्टी तो भाव है। ऑप्शन ए 35 अखरी, ऑप्शन बी 45 अखरी, ऑप्शन सी 55 अखरी, ऑप्शन डी 25 अखरी। हाँ जी बिल्कुल राइट आंसर है जी, ऑप्शन ए 35 अखरी। हाँ जी प्रश्न नंबर 26, गुरु नानक देव जी की इतिहासिक तथा भरपूर बाणी है। ऑप्शन ए जपजी साहिब, ऑप्शन बी सोहिला, ऑप्शन सी बाबर बानी, ऑप्शन डी अलौनिया। हाँ जी ऑप्शन सी बाबर बानी। हाँ जी प्रश्न नंबर 27, अमृता प्रीतम नू केड़ी रचना लई साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलिया। ऑप्शन ए नागमणि, ऑप्शन बी सुनहरे, ऑप्शन सी कागज ते कैनवस, ऑप्शन डी अज आखां वारी शाह नूं। हाँ जी बिल्कुल राइट है जी, ऑप्शन बी सुनहरे। 1956 विच कागज के कैनवस उत्ते ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलिया। प्रश्न नंबर 28, पंजाब विच दिवाली का त्यौहार कितों का सब तो वध प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए लुधियाना, ऑप्शन बी फिरोजपुर, ऑप्शन सी पटियाला, ऑप्शन डी अमृतसर। हाँ जी बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी ऑप्शन डी अमृतसर। प्रश्न नंबर 29, गुरु अमरदास जी ज्योति जोत कदों समाई। ऑप्शन ए 1574, ऑप्शन बी 1557, ऑप्शन सी 1552, ऑप्शन
ऑप्शन डी 1575। हाँ जी ममता बिल्कुल राइट है जी, सरबजीत, हाँ जी रीना, ऑप्शन ए 1574। प्रश्न नंबर 3, गुरु रामदास जी का जन्म कदों होया? ऑप्शन ए 1535, ऑप्शन बी 1563, ऑप्शन सी 1534, ऑप्शन डी 1531। गुरु रामदास जी का जन्म कदों होया? हाँ जी ऑप्शन सी 1534। हाँ जी उम्मीद है जी सब नू वीडियो वधिया लगी होएगी जी, तो इसलिए तुसी साड़ी वीडियो नू वध तो वध लाइक शेयर अते सबसक्राइब करो ताकि तुहानू आने वाली वीडियोज़ दे जिहड़े लिंक ने डिस्क्रिप्शन विच मिल सकन। धन्यवाद।